था। ओ नो, अब गर्मी लगेगी। नहीं लगेगी। वो कैसे? क्यों बच्चों, अब है गर्मी? हाँ, पेड़ की नीचे गर्मी बिल्कुल नहीं है अम्मा। पुराने जमाने में जब बिजली नहीं थी तो लोग गर्मियों में इसी तरह पेड़ के नीचे बैठते थे। इसीलिए तो आई लाइक समर टाइम अम्मा। खाने को आइसक्रीम, नो स्कूल, ओनली फन। आई लाइक विंटर। रेनी सीजन सबसे अच्छा होता है। नो समर, रेनी समर, रेनी नहीं विंटर। अरे रुको बाबा, पता है अगर इसी तरह मौसम भी लड़ते तो क्या होता? जी पता है, नई स्टोरी मिलती है ना अम्मा। ये स्टोरी स्टोरी टाइम विद अम्मा। Seasons got their share. चार मौसम और दिन रात को मिलाकर छह भाई थे। दिन और रात ने तो अपने समय का बंटवारा कर लिया, लेकिन चारों मौसम में इस बात को लेकर बहस हो गई कि कौन बेहतर है। फिर अग्निदेव ने कहा, मैं बड़ा हूँ, अगर मैं ना रहूँ तो फसल ही ना हो, लोग भूखे बेहाल हो जाएं। अब बारी आई शीत देव। नहीं भैया, मेरे कारण जब सर्दी पड़ती है तब फसल होती है। इंद्रदेव से ये सब नहीं देखा जा रहा था, तब उन्होंने भी अपनी शक्ति दिखाई। भैया, फसल मेरे बारिश कराने से होती है। सबसे छोटे वरुण देव भी किसी से पीछे थोड़ी न थे। भैया, मैं जब चलता हूँ तब बादल आते हैं, फिर बारिश होती है और फिर फसल। कौन सा मौसम बेहतर है ये लोगों के अलावा और कौन बता सकता था? इसीलिए चारों देवता विजयनगर आए। मौसम में मौसम है गर्मी का, पाई पाई जोड़ के। सुना तुम लोगों ने, विजयनगर वासी कितना चाहते हैं मुझे। एक के कहने से क्या होता है भैया। ये तो सही कहा सेठ, देखो तो गर्मी में खूब आम होते हैं, जिससे मुझे बहुत मुनाफा होता है। फैसला हो चुका था, विजयनगर वासियों को अग्निदेव के सहारे छोड़कर बाकी भाइयों ने विदा ली। कितनी गर्मी है, पाई पाई छोड़ के लगता है आग बरस रही है। अरे मेरे सारे आम सूख कर तो खराब हो गए, इस बार की गर्मी ने तो मेरा बहुत नुकसान कर दिया। हाय गर्मी, पानी, कोई पानी पिला दो। ये गर्मी है या बला, कब टलेगी? इस गर्मी ने रूई जला दी। हे भगवान, इस गर्मी से बचाओ, बारिश दो। लोग तुम्हें नहीं भैया, मुझे चाहते, और इनकी प्रार्थना तो मुझे सुननी ही पड़ेगी। और फिर इंद्रदेव ने अपनी कृपा बरसाई। बारिश आ गई, चलो गर्मी से तो राहत मिली पाई पाई जोड़ के। ओफो, ये बेमौसम बारिश तो मुझे मूर्ति ही नहीं बनाने देगी। जरूरत से ज्यादा तो कोई चीज अच्छी नहीं होती, फिर चाहे वो बारिश ही क्यों ना हो। ये कौन सी परीक्षा ले रहा है ऊपर वाले पाई पाई जोड़ के। ए
इससे अच्छी तो ठंड है, मेरा कपास बिकता है। हाँ सही कहा, और मेरे पास भी ढेर सारे कपड़े धोने के लिए आते हैं, धो के। कब आएगी ठंड? भैया विजयनगर के लोग आपको नहीं मुझे चाहते हैं। बस फिर क्या था, शीत देव ने पूरे विजयनगर पर ठंड की चादर फैला दी। का मौसम आया है पाई पाई छोड़ के, इसी का तो इंतजार था मुझे। ठंड में भूख लगती है और मेरा अनाज बिकता है। चिरंजी काका, ये रजाई जल्दी बना देना। थोड़ा वक्त लगेगा, इस बार बेमौसम बड़ी तेज की ठंड आई है। झुलसती गर्मी और बरसती बारिश से तो अच्छा ही है ना। सुना तुम लोगों ने। ये पानी है या बर्फ? धो धो के। ये कैसी रजाई बनाई है, इससे तो ठंड जाती ही नहीं। अरे जो ठंड आग से नहीं जा रही वो रजाई से जाएगी क्या? रोज दुकान खोलकर किसका इंतजार करते हो? ठंड ने सबको बीमार कर दिया है। लोग वैद्य जी की दवाई खाएंगे या तुम्हारा अनाज? हाय पाई पाई जोड़ के, ये सारे मौसम मुझे बर्बाद करके रहेंगे। इस ठंड ने तो मेरी हालत भी खराब कर दी। इतने लोगों के लिए दवा कहाँ से बनाऊं? कल आना। एक तो इतनी ठंड और ऊपर से दवाई भी नहीं, हे भगवान बचाओ। तो शीत देव को समझ आ गया कि यहाँ उनकी दाल भी नहीं गली है। अब बारी सबसे छोटे वायुदेव की थी। देख लिया भैया आप लोगों ने, आप तीनों नहीं चाहिए। विजयनगर वासियों, अब मेरी बारी। क्या बढ़िया हवा है, क्या मौसम है धो धो के, आज तो कपड़े धोने में मजा आ जाएगा। अरे नहीं, मेरे कपड़े धो धो के, मेरे कपड़े। अरे ये क्या मुसीबत है, अरे अरे मेरे पैर, अरे बचाओ। पाई पाई जोड़ के मेरे अनाज, मेरी दुकान। अरे मोहन अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। वायुदेव के आने से भी विजयनगर वासी खुश नहीं हुए। लोगों ने इस नई आफत से भी बहुत ही जल्द हाथ जोड़ लिए। गुरुजी, अब आप ही कोई उपाय बताओ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ पिछले कुछ दिनों से। मौसम ने हाल बेहाल कर रखा है पाई पाई जोड़ के। मेरा भी बहुत नुकसान हो गया गुरुजी। ऐसा प्रतीत होता है कि मौसम के देवता आपस में लड़ रहे हैं। देवता होकर उन्हें सोचना चाहिए, उनके झगड़े में नुकसान हमारा हो रहा है। लड़ाई हमेशा खुद को एक दूसरे से बेहतर सिद्ध करने के लिए होती है। अगर वो ये जान ले कि लोगों को उनका एक दूसरे से बेहतर होना नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ होना पसंद है तो ये लड़ाई ही खत्म हो जाए। गुरुजी की बात सुनकर चारों देवों को अपनी गलती का एहसास हो गया। सही भी था, बारिश का मजा गर्मियों के बाद ही आता है। जैसे सर्दियाँ बारिश के साथ है, हवा गर्मी में चले तो राहत देती है, बारिश में बादलों को फैलाती है ताकि हर जगह एक सी बारिश हो, और उसके बाद मौसम का मिजाज कभी नहीं बदला। तो
बच्चों, क्या सीख मिली इस स्टोरी से? यही अम्मा, कि अच्छा है कि मौसम अपनी मर्जी से नहीं चलते, वरना हमारा क्या होता? फिर हम मौसम का मजा नहीं ले पाते। बिल्कुल सही। If you like this video, subscribe to our channel, Murti Media. बातों ही बातों में टप से टपके, चखे वही जो गप से गपके, साबुत सा, सच्चा सा, किस्सा सुनाने, आई हूँ मैं खटा मीठा जगाने, चुलबुल सी बच्ची मैं हूँ दादी नानी, चुलबुल सी बच्ची मैं हूँ दादी नानी, कैसे कहानी, अरे कैसे कहानी, मैं हूँ वही तेरी खुशबू पुरानी, छुटकी सी बातों में बड़का सच बोलूँगी, छोटा